नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है और उनकी शादी की फ़ोटो और निकाहनामा को सार्वजनिक किया है। साथ ही नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के धर्म परिवर्तन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी, जाति और धर्म के गणित में समीर वानखेड़े बुरे तरीके से उलझ गए हैं, जिससे उनका बाहर निकलना आसान नहीं है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है और कहा कि ये फर्जीवाड़ा शुरू होता है। बर्थ सर्टिफिकेट पे उनका नाम समीर वानखेड़े दाऊद लिखा हुआ है। इसके बाद नवाब मलिक ने बुधवार को समीर वानखेड़े की पहली शादी शबाना कुरैशी के साथ हुई थी, जिसका निकाहनामा जारी किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया और कहा कि यहां से फर्जीवाड़ा शुरू होता है। बर्थ सर्टिफिकेट पर उनका नाम समीर वानखेड़े दाऊद लिखा हुआ है। इसके बाद नवाब मलिक ने बुधवार को समीर वानखेड़े की पहली शादी शबाना कुरैशी के साथ हुई, जिसका निकाहनामा जारी किया। इसके मुताबिक 7 दिसंबर 2006 को गुरुवार की रात 8 बजे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का निकाह हुआ था। निकाह में मेहर की रकम 33,000 रुपये थी और गवाह अजीज खान थे, जो समीर वानखेड़े के बड़ी बहन यानी यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव केचुरेजी वानखेड़े का जन्म महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिला जाहिदा से शादी की, जिसके बाद 2 बच्चे हुए, एक समीर वानखेड़े और उसकी बहन यास्मीन। नवाब मलिक के जरिए जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर और यास्मीन अपने नाम के साथ दाऊद भी लगाते हैं। हालांकि समीर वानखेड़े के मुताबिक वो एक सेकुलर, द्विधर्मीय और कंपोजिट परिवार से जुड़े हुए हैं। समीर वानखेड़े के पिता ने भी माना है कि उनके बेटे ने साल 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से निकाह की थी। बाद में दोनों के बीच 2016 में तलाक हो गया। इसके बाद साल 2017 में मराठी फिल्म अभिनेत्री क्रांति रेडकर के साथ उन्होंने शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समीर वानखेड़े ने अगर शबाना कुरैशी से निकाह किया था तो ऐसा करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो दलित आरक्षण से वंचित हो जाता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 30 जनवरी 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया था, जिसमें दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही अनुसूचित जाति कैटेगरी कास्ट का पूरा फायदा मिलेगा, बाकी दूसरे धर्म के लोग एससी में नहीं माने जाएंगे। हालांकि बाद में इसमें समय समय पर संशोधन किया गया। कबीरपंथियों ने आंदोलन किया तो उन्हें छूट दे दी गई, सिखों ने आंदोलन किया तो उन्हें भी छूट मिली। इसके बाद 1991 में वीपी सिंह के आने के बाद हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाने वाले 9 बुद्धों को छूट मिली। महाराष्ट्र में दलित समाज से आने वाले माहिर जाति के लोग बड़ी संख्या में 9 बुद्ध बने हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।